मुरैना में एक बार फिर से गोलियों की गूंज सुनाई पड़ी है। कांग्रेस विधायक एदल सिंह कंसाना के बेटे ने अपने 15 साथियों के साथ जाकर छोटा टोल नाके के ऊपर छोंदा टोल नाका इस पर जमकर फायरिंग की और गले से पैसे लूटे। आधे घंटे तक चली इस फायरिंग में बड़ी मुश्किल से टोल कर्मियों ने अपनी जान बचाई, लेकिन टोल बिल्डिंग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। बताया जा रहा है कि मामला टोल से अवैध वसूली के साथ अवैध रेत खनन के ट्रकों को निकालने का था, जिसके लिए विधायक के बेटे ने इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने विधायक पुत्र राहुल कंसाना समेत 15 अन्य बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी। ऐसे में एक बार फिर से अब इस घटना ने विधायक के साथ कांग्रेस की मुसीबत बढ़ा दी। घटना की सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि किस तरह से आरोपियों ने टोल पर आकर सीधे फायरिंग की। तो उन्होंने अभद्रता से मतलब बहुत गंदी गंदी गालियां देना शुरू कर दी और धमकी देना शुरू कर दी कि मैं टोल में आग लगा दूंगा, मैं सबको जान से मार दूंगा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं वहीं पे आ रहा हूँ। गोली कम से कम 150 गोलियां चली होंगी यहाँ पे। कोई घायल हुआ? घायल एक लड़के के यहाँ लगा हुआ है थोड़ा सा। गोली चलने लगे तो हमें ऐसा लगा कि मतलब यहाँ पर भी फायरिंग करने वाले हैं, तो मतलब मैं गेट खोला और मुझे लगा कि पीछे से भी मतलब ऐसे वो लोग घूम रहे थे, तो मैं सर ये समझो कि 20 मिनट समथिंग चले सर। 15 लोगों ने 3-4 गाड़ियों में आके फायरिंग किया है। उससे पूर्व में जो मैनेजर है वहाँ पे टोल प्लाजा का, उनको एक व्यक्ति की फ़ोन से धमकी भरे हुए फ़ोन भी आए थे। उसके पश्चात 1.5 घंटे के बाद ये घटना घटित हुआ है। सर कितने लोगों पर मामला दर्ज किया गया है? मुख्य आरोपी इसमें एक राहुल सिंह कंसाना का नाम सामने आया है।